मछली बिहारी स्टाइल में बनाते हैं जो बनाना बहुत आसान है खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने आधा के जी मछली को धोकर रख लिया है मसाला रेडी करते हैं उसके लिए एक चम्मच राई आधा चम्मच जीरा एक चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर एक बारीक कटा प्याज लहसुन एक जावा तीन टमाटर पानी डालकर इन सब मसालों को अच्छे से पीस लेंगे मसाला बहुत महीन भी नहीं रहना चाहिए और बहुत मोटा भी नहीं रहना चाहिए ये सबको हम लोग मछली में थोड़ा सा मसाला जो पीसे थे उसे डाल देंगे दो चम्मच के लगभग स्वादानुसार नमक आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं या फिर मैं यहाँ पर मैंने तेल को स्किप किया है अच्छे से मसाला में मछली को कोट करके दस मिनट तक मैरिनेट होने देंगे दस मिनट बाद कढ़ाई में तेल गरम करेंगे तेल यहाँ पर मैंने एक कटोरी के लगभग लिया है सौ ग्राम के लगभग इसे जब तेल पूरा गर्म हो जाएगा तो आँच को धीमी करके मछली को डाल देंगे एक बार में जितना तेल हो उतना मछली डालें मैंने यहाँ एक बार में चार मछली डाला है इसे उलट पलट करते हुए हल्का बादामी रंग का होने तक फ्राई करेंगे इससे मछली का टेस्ट बहुत अच्छा होता है और बनकर बहुत अच्छा रेडी हो आप चाहे तो मछली को सिर्फ हल्दी और नमक डालकर भी फ्राई कर सकते हैं अगर मसाला थोड़ा डालेंगे तो उससे मछली का स्वाद बहुत दुगना हो जाता है ये देखिए दोनों तरफ से हल्का बादामी रंग का हो गया है अब हम लोग इसे निकाल लेते हैं मेरे पास एक आलू पड़ा हुआ था बॉयल तो उसे मसाला में कोट करके उसे भी डाल दिए हैं क्योंकि नॉन वेज बच्चे लोग नहीं खाते हैं तो वो इसमें का आलू खा लेंगे सारा मछली और आलू जब फ्राई हो जाएगा तो बचे हुए तेल में मेथी और सरसों डाल चटका लेंगे चटकने के बाद जो मसाला पीसे थे उसे डालकर कुछ देर तक चलाते हुए भुनेंगे सरसों लहसुन का मसाला को बहुत ज़्यादा भुनने की जरूरत नहीं होती है लेकिन कम से कम चार से पाँच मिनट तक तो हम तो मसाला भुनना ही पड़ेगा स्वादानुसार नमक डाल देंगे चला लेंगे थोड़ी देर तक चलाते हुए पका लेने के बाद काश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पर मैंने एक चम्मच कलर के लिए डाला है थोड़ी देर तक चलाते हुए भुनने के बाद ये मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा पाँच मिनट में देखिए मसाला एकदम तेल छोड़ने लगा है तो इसमें हम लोग डेढ़ गिलास के लगभग पानी डाल देंगे पानी डालकर चला लेंगे जब इसमें से बुलबुला छूटने लगेगा तो हम लोग जो मछली और आलू फ्राई करके रखे हुए थे उसे डाल देंगे ये देखिए बॉयल बहुत अच्छा से हो गया है मसाला पानी अब हम लोग एक एक करके मछली और आलू को डाल देंगे एक बार में ही मछली डालेंगे तो वो थोड़ा सॉफ्ट होता है तो थोड़ा सा टूटने का डर रहता है इसलिए एक एक पीस करके डालें जब ये सारा डाल देंगे तो हम लोग पाँच मिनट तक धीमी आंच पर इसे पकने देंगे तो बहुत अच्छा बन के रेडी हो जाएगा उसके बाद धनिया पत्ता डाल देंगे स्वाद के लिए ये देखिए मछली एकदम रेडी हो गया है आप अपने मनपसंद डिश के साथ इंजॉय करें मछली ज्यादातर भात में ही बहुत अच्छा टेस्टी लगता है आप लोग अपने पसंद के चीज़ों के साथ मछली का आनंद लें यह बहुत टेस्टी बना है